गाइस नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे हो, अच्छी सेहत में हो और देख रहे हो कि कुछ कुछ होना शुरू हो चुका है। सुशांत का नाम वापस आना शुरू हो चुका है और बहुत कुछ होगा, तो समझ लीजिए कि मार्च के महीने के रंग दिखना जो है वो शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे और बढ़िया से दिखेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि हम भूल जाते हैं, बट आई इंटरेस्टिंगली आई जस्ट फेल्ट समथिंग टूडे एंड आई वॉज लाइक रियली लाइक कि ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ट्रिक खेली जा रही है हम सबके साथ बहुत टाइम से, राइट? और मतलब यस रितु, आई थॉट सो, बट देन आई थॉट कि मुझे उनका प्रिपरेशन का एग्रेशन लग रहा है। यस, द सीक्रेट्स कमिंग आउट और ये देखिए ना, ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, वो एग्रेशन, वो वर्क, वो उस चीज का गुस्सा है जहां पे सारे चोरों को सामने लाना है, फुल जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर लेके आने हैं, दैट इज द गुस्सा बेसिकली। हाँ, तो कैसी ट्रिक? हम मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोगों के साथ बहुत समय से, मेन एंड वुमेन, ओके, बहुत समय से हमारे साथ एक गेम खेली जा रही है, एक ट्रिक खेली जा रही है जिसका हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया है। तो हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल बोथ आर कंप्लीट, राइट? हम हमेशा बोलते हैं दैट मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मेल्स में भी है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी फीमेल में भी है और वो दोनों कंप्लीट है, राइट? वो दोनों कंप्लीट है, उनमें कोई भी आधा अधूरा नहीं है, दोनों कंप्लीट है। अब गेम क्या खेली जाती है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमें अधूरा फील कराया जाता है सो दैट हम दूसरे के साथ जाए, सो दैट दुनिया जो है उसका जो साइकिल है बर्थ रिबर्थ का चलता रहे। थिंक अबाउट इट, जब एक लड़की बर्थ लेती है या एक लड़का बर्थ लेता है, हम उसकी कंडीशनिंग ऐसे करते हैं जैसे वो आधे हैं, राइट? जब एक लड़की बर्थ लेती है तो हम उसको, जैसे हमने पहले भी वो किया था, डिस्कस किया था कि लड़की बर्थ लेती है तो उसको बोला जाता है ये करना है, ऐसे लड़कियां नहीं करती, ये लड़कियों के करने की चीज नहीं है, तो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी को खत्म किया जाता है, पूरी तरह से जोर लगाया जाता है कि मैस्कुलिन पार्ट जो है उसका वो सप्रेस हो जाए अच्छी तरह से और फेमिनिन पार्ट जो है दैट इज द ओनली पार्ट जो एक्चुअली एक्टिव रहे। सिमिलरली मेन, आदमी रोते नहीं है, आदमी इमोशनल नहीं होते हैं, लड़के ऐसे डरते नहीं है, लड़के झुकते नहीं है, लड़के ये काम नहीं करते हैं, लड़के ऐसे नर्चरिंग नहीं होते हैं, तुम बहुत इमोशनल हो, लड़के ऐसे बात नहीं करते हैं, हम उनकी फेमिनिन एनर्जी को खत्म करते हैं, वी किल देयर फेमिनिन एनर्जी कंप्लीटली। एंड दिस इज अ ट्रिक जो हमारे साथ कितने, मतलब युगों से मैं बोलूंगी, प्ले की जा रही है विदाउट आर अस रियलाइजिंग इट कि हम एक्चुअल में कंप्लीट आते हैं लेकिन हमें इनकम्प्लीट फील कराया जाता है सो दैट हम इनकम्प्लीट फील करें। एंड क्योंकि हम इनकम्प्लीट फील करते हैं इसीलिए हम अपनी कंप्लीशन ढूंढें, सो वी लुक फॉर आवर बेटर हाफ जो हमें कंप्लीट कर दे, राइट? यस, दिस इज द कंडीशनिंग, दिस इज द कंडीशनिंग कि हमें वो जो चीज है वो हमें मेन में से सारी फेमिनिन एनर्जी निकाल दी जाती है, निचोड़ दी जाती है और जो भी जिनके भी अंदर फेमिनिन एनर्जी रह जाती है उनको सोसाइटी अलग तरह से देखना शुरू कर देती है या उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फीमेल्स में से सारी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो निकाल दी जाती है, जिनमें रह जाती है उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है या खुद के अंदर बिल्कुल अलग तरह के हो जाते हैं। सो दिस इज अमेजिंग दैट हाउ दैट वर्क्स, हाउ टेक्निकली और हाउ स्मार्टली दे हैव क्रिएटेड दिस साइकिल कि हम इनकम्प्लीट फील करें ताकि हम भी गेट मैरिड, और हम गेट मैरिज क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चे होंगे, आगे की जनरेशन चलेंगी एंड जस्ट टू, यस इट लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस एंड इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट बिकॉज वी आर नॉट इनकम्प्लीट, हम इनकम्प्लीट नहीं है। इफ यू नर्चर अ चाइल्ड वेल तो वो अपने आप में अपने आप को कंप्लीट समझेगा या अपने आप को कंप्लीट मानेगा या मानेगी क्योंकि उनको पता होगा दैट दे हैव अ मैस्कुलिन पार्ट एंड दे हैव अ फेमिनिन पार्ट, तो उनको अपने आप को किसी को, एंड दिस इज अ विशियस साइकिल क्योंकि देन वी लुक फॉर आर बेटर हाफ।
ना बेटर हाफ हैज टू हैव बी बेटर, बेटर हाफ है तो बेटर तो होना जरूरी है. अब क्योंकि बेटर हाफ बेटर नहीं होता है, हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसको बेटर बनाने के लिए. वो जो है वो हमें बेटर बनाने की कोशिश करता है क्योंकि हम उसके बेटर हाफ हैं. हम जो है उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारा बेटर हाफ है. और उस चक्कर में ना तो हम जी पाते हैं ना तो हम उसको जीने देते हैं. दिस इज अ विशियस साइकिल. एंड देन फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम बच्चों को इनकम्प्लीट फील करवाने की जंग में लग जाते हैं और स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे इनकम्प्लीट फील करें ताकि बच्चे अपना बेटर हाफ ढूंढे और फिर बच्चे अपनी सारी जिंदगी उस बेटर हाफ को बेटर बनाने में निकाल दें. व्हाट व्हाट इज इट, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, लाइक व्हाट इज इट व्हिच इज दिस इज बीइंग प्लेड. ये हमारे साथ दिस इज लाइक प्लेइंग विद आवर माइंड्स एंड from such a long long time. Yes, it takes us away from the spiritual process. Aur ek aur cheez, I'm going to talk about this also in detail, but somebody was asking me today about adopting and adoption jo hai wo kyun log accept nahi karte hain ya kya hai. To I'm going to talk about this in detail, but ye feel hame pata kaise karaya jata hai, jaise hum hi dinosaur hain. आखिरी पीढ़ी डायनासोर की हम ही है. हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारा कुल आगे नहीं बढ़ेगा. हमारा कुल आगे नहीं बढ़ा तो डायनासोर खत्म हो जाएंगे. एवरी ह्यूमन बींग इज अ ह्यूमन बींग, राइट? वो कहीं पे भी पैदा हो रहा है, कैसे भी पैदा हो रहा है, द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड. दुनिया तो आगे ही बढ़ रही है. तो अगर मेरी और एक एक, एक गोत्र और एक एक कास्ट के करोड़ों लोग हैं दुनिया में, तो मैं डायनासोर की आखिरी पीढ़ी तो हूं नहीं कि अगर मेरा बेटा नहीं हुआ तो मेरा नाम आगे नहीं जाएगा और मेरी जनरेशन आगे नहीं जाएगी और डायनासोर खत्म हो जाएंगे. मतलब किस किस तरह से हमें हमें मैं बोलूंगी उल्लू बनाया जा रहा है और बनाया जा रहा है. मतलब कई सालों से हमें उल्लू बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं वेरी वेरी कंफर्टेबली. और हम अपने बच्चों को भी बना रहे हैं अननोइंगली क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम उल्लू बन रहे हैं. यस यस डॉटर्स होंगे तो कुल है किसका. पर सबसे बड़ी बात है कि आपको उस पहले इंसान का पता है जिसने कुल शुरू किया था. मतलब दादा परदादा इज द मैक्स जिसको आप जिसका आपको नाम पता होता है. तो आप कुल किसका चला रहे हैं, किसका कुल चला रहे हो. मतलब जो जो मुझे जो जो ये कुल वाले लोग हैं, मुझे उनको ये लिटरली मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कुल चला किसका रहे हैं. मुझे नाम बता दें किसका कुल चला रहे हैं. क्योंकि कुल तो जिसका कुल है वो उसका तो कुल गुल हो गया है. उसका तो नाम तक नहीं पता किसी को. तो तुम किसका कुल चला रहे हो. एंड दिस इज लाइक दिस इज मुझे ना मुझे याद है ये डायनासोर वाला एग्जाम्पल कब मेरे माइंड में आया था. आई हैड अ स्टूडेंट और जब मैं ट्रेनर थी तो शी वांटेड टू गो फॉर अ लव मैरिज. वो लव मैरिज के लिए जाना चाहती थी और उनकी जो वो थी ना जो जिसके साथ शादी करना चाह रही थी उनकी कास्ट अलग थी. एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड लाइक फैमिली की इकलौती बेटी थी. तो शी वंस टोल्ड मी कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा कुल खत्म हो जाएगा अगर तुम किसी और कास्ट में शादी कर लोगे. दैट इज व्हेन आई वाज लाइक तुम डायनासोर हो क्या. एंड शी वाज लाइक मैम क्या बोल रहे हो. लाइक नहीं मुझे ऐसे कुल फिर खत्म तो तभी होगा अगर डायनासोर होंगे, नहीं तो खत्म नहीं हो सकता ना. सरनेम भी देखो ना, एक सरनेम के कितने जनता है यार. मैं शर्मा हूँ, कितने लाखों करोड़ों शर्मा है. तो शर्मा सरनेम खत्म थोड़ी होगा. इट विल तो स्टिल कंटिन्यू अगर मेरा कुल नहीं चलता है तो भी. बट That is what हमें yes it is like रजनी और you correct it is like मुर्गी अंडा right. तो that is why ये चीज जो है हमें समझनी जरूरी है. और मैं बहुत light way में इसको I'm putting it across in very lightly क्योंकि but it has a very very big impact. It has a very very huge impact. और अभी इतनी क्या बोलते हैं डगमगा गए हैं सब जो पुरानी generations हैं और इतनी कंफ्यूज हो गई हैं because men and women both are finding their complete selves.
आदमी घर का काम, किचन का काम, नर्चर करना, बच्चे पालना, वो भी सीख रहे हैं, एटलीस्ट द कमिंग जनरेशंस. और जो फीमेल्स हैं वो बाहर का काम कर रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, अपने ड्रीम्स भी पूरे कर रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं. तो जो आगे की जनरेशंस हैं वो एक्चुअल में एक ऐसी एनर्जी में आ रही हैं जहाँ पे एक्चुअल में वो अपने आप को कंप्लीट करना सीख रही है, जहां पे वो अपने आप की अपनी कंप्लीटनेस जो है सीख रही है. एंड दैट इज वाई जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल मतलब उनके फ्यूज उड़ गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो वो नहीं है जो हम करते आए हैं. बट उनको भी पता नहीं है जो वो करते आए हैं वो क्यों करते आए हैं, उसके पीछे की गेम क्या है. क्योंकि हमें अगर बोलो तो लोग इसी तरह से डिफरेंस करते हैं ना, इसीलिए करते हैं ना ऋतु जी, क्योंकि जब डिफरेंस नहीं करेंगे मेल लड़के और लड़की में तो कैसे फील कराएंगे कि आप इनकम्प्लीट हो. अगर फील नहीं कराएंगे कि आप इनकम्प्लीट हो तो कैसे वो मैरिज होगी, और अगर मैरिज नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो जनरेशन कैसे चलेंगी, दुनिया कैसे चलेगी. तो यू हैव टू बी मेड. बट वो ये भूल जाते हैं दैट एक्चुअल में हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए इनकम्प्लीट फील होना जरूरी नहीं है. वी कैन फील कंप्लीट इन आर सेल्फ एंड वी कैन स्टिल हैव अ कंपेनियन, राइट, हु इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑल्सो. तो वी विल नॉट बी लुकिंग फॉर अ बेटर हाफ, वी विल बी लुकिंग फॉर अ कंपेनियन. और वो एनर्जी जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, ज्यादा बेहतर होगी, वो जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आप एक दूसरे को पुल पुश नहीं खेल रहे हो. आप अपने आप को उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वो परफेक्ट है, कंप्लीट है, फुल है. एज अ ह्यूमन बीइंग आप कंप्लीट हो, आप परफेक्ट हो, आप फुल हो. और जब दो कंप्लीट एनर्जीज एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, दे ओनली क्रिएट ब्यूटिफुल क्रिएशंस. वो एक बेहतर तरीके से जिंदगी बता सकती हैं, वो एक बेहतर तरीके से जिंदगी को आगे ले जा सकती हैं. तो इट इज नॉट कि आपको मतलब ये किसी की सोच थी, उसने 4 लोगों पे 5 लोगों पे अप्लाई किया, आगे 10 पे अप्लाई हुई, और वो सोच जो है इतनी स्ट्रांग बन गई कि वो सब पे अप्लाई होती चली गई, और हम बिना सोचे समझे उस सोच को आगे अपनी जनरेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली ये सोच प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि बेटर हाफ मतलब इट हैज टू बी बेटर. तो बेटर हाफ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बट इफ यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ एंड इफ यू फाइंड अ कंपेनियन हु इज कंप्लीट विद इन हिम और हर सेल्फ, दैट इज वेन योर एनर्जीज कैन फ्लो ब्यूटिफुली वेल. एंड थिंक अबाउट इट, वो जो लाइफ होगी वो कितनी ब्यूटिफुल होगी, बिकॉज आपका पार्टनर जो है दैट इज एज अंडरस्टैंडिंग एज नर्चरिंग एज यू आर. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फुलफिल नहीं कर सकते हो वो फुलफिल कर सकता है या कर सकती है, जो वो फुलफिल नहीं कर सकता है कर सकती है वो आप करोगे. एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, एक दूसरे की खींचतान नहीं होगी. यू विल अंडरस्टैंड द एनर्जी सो ब्यूटिफुली वेल. आप एक दूसरे के ट्रू कंपेनियन बनोगे, चाहे वो बेबीज हो. बेबीज को लॉजिकली साइंटिफिकली फीमेल को ही पैदा करना है, राइट? तो इवन इफ अ फीमेल गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, अ मेल विल बी एज नर्चरिंग एज अ फीमेल. दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी डिवाइडेड सो ब्यूटिफुली वेल कि किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा, किसी तरह का एक तरह से जो डिप्रेशन होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है, वो सब कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अ मैन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट अ फीमेल is undergoing, right? And if a man is not saying something, not like problem kya hoti hai na, man ka mindset माइंड की हिसाब किताब अलग होता है, फीमेल का थोड़ा सा अलग होता है. और क्योंकि अपब्रिंगिंग भी ऐसे ही होती है, वो पूछती रहेगी क्या सोच रहे हो क्या सोच रहे हो, और वो सोचेगा कि कुछ नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं सोचना पॉसिबल है लेकिन हमें लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं. तो वो जो दिक्कत है ना, जो बेसिक जड़ है, वो खत्म हो जाएगी. दूसरा, एक दूसरे से ज्यादातर यही होता है कि वो इंसान जो है वो कैसे, आप तुम मेरे बारे में कैसे सोचते हो, या मैं तुम्हें कैसे, क्योंकि हम अप्रूवल ढूंढते हैं यार पूरी जिंदगी. वी लुक फॉर समबडी टू अप्रूव अस, राइट, समबडी टू मेक अस फील बेटर, क्योंकि हम अधूरे हैं. लेकिन जब हम खुद को अप्रूवल नहीं ढूंढेंगे, जब हम खुद को पूरा समझेंगे, तो आधी एनर्जीज तो वैसे ही बेटर हो जाएंगी. यस Yes, absolutely. Learning together in positive way is marriage.
और आप एक्चुअली में दो लोग बहुत अच्छे से एक साथ जिंदगी जी सकते हैं. देयर वॉज अ पिक्चर आर्ट दैट दैट शोड अ बेबी इन वुमेन्स बेली एंड मैन्स ब्रेन. यस एब्सोल्युटली 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 दे कांट फील इट. They can't, and this is another thing. It is something which is painful, but also some parts beautiful, which a male cannot feel at any moment. वो चाहके भी नहीं feel कर सकते हैं उस चीज को, right? लेकिन if they feel complete within themselves and they are as nurturing as a female usually is, and if they are allowed to have their feminine self, they can express. See, सबसे ज़्यादा problem होती है usually men don't express themselves, right? वो एक female अपने आप को ज़्यादा जल्दी express कर लेती है और men जो है अपने आप को अंदर अंदर रखते हैं, express नहीं करते हैं क्योंकि उनकी upbringing है, उनको शुरू से बोला जाता है तुम्हें emotional नहीं होना है, तुम रो नहीं सकते हो, men don't cry, men don't do this, men don't do this. तो उनको उस तरह का बना दिया जाता है. Now think about men who are complete and think about females who are complete and think about when they come together. It is going to be so beautiful कि ये जितने divorce lawyers हैं इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी और कोई marriages fix करवाने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आप complete हो, आप अपना complete self जो है, reflection जो है उसको बहुत अच्छे से ढूंढ पाओगे. It will then be actually yes, it is Shiv Shakti अपने आप में complete हैं. They are not अधूरे. Shakti is Shakti, Shiv is Shiv. वो दोनों अपने आप में complete हैं. दोनों में feminine भी है, masculine भी है. Shakti मारना भी जानती है, Shakti meditation भी जानती है. Shiv मारना भी जानते हैं, Shiv meditation भी जानते हैं. Shiv भी complete है, Shakti भी complete है. और वो दोनों जब इकट्ठा होते हैं, that's the beautiful union जिसको जरूरत है होने की. अब हमें, अगर हमें युग परिवर्तन करना है तो हमें वहीं जाने की जरूरत है जहां पे हम सारे, all men are Shiv and all females are Shakti, क्योंकि वो complete है अपने आप में. और जब completion के साथ आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, it is like a mirror. राइट, एंड यू फील हैप्पी व्हेन यू लुक एट द मिरर. राइट, आप मिरर को ऐसे नहीं बोलते हो कि अरे मैं तो ऐसे नहीं लग रही, तू मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो बेटर नहीं हो सकता, अरे तो बोल क्यों नहीं रहा है. सो दैट विल बी लाइक दैट मिरर जो आपको रियलिटी दिखाता है, बट यू स्टिल लाइक इट. सो दैट्स द एनर्जी. हाउ विल इट हैपन? इट विल हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट एंड व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग आर फॉलोइंग जनरेशंस, आर कमिंग जनरेशंस अंडरस्टैंड इट. तो वो जो शुरू से वो चल रहा है ना, शुरू से जो चल रहा है ना, वो उसको हम एक्चुअली में बंद करें, तब हम इस चीज को एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो हाफ ऑफ इट तो ऑलरेडी डन, हाफ वर्क ऑलरेडी हो गया है, बिकॉज वुमेन have mostly started getting into this masculine energy, but now they have to be feminine and masculine both. And men also have partially started some meditations, finding about themselves. Percentage कम है, लेकिन कुछ कुछ begin हो चुका है. अब हम आगे वाली generations को better बना के इस change को बिल्कुल completely complete कर सकते हैं. But we'll have to work with our generations that are coming. तो हमें उनको अधूरा फील कराना बंद करना पड़ेगा, हमें उनको पूरा फील कराना पड़ेगा, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हें राजकुमार बनने की जरूरत नहीं है और राजकुमारी को बचाने की जरूरत नहीं है. और हमें बताना पड़ेगा कि तुम राजकुमारी हो, तुम फिर भी अपने आप को बचा सकती हो, तुम्हें जरूरत नहीं है कोई राजकुमार आके तुम्हें बचाए. ये स्टोरी जो है वो दोनों तरफ से मोल्ड करनी पड़ेगी, ये स्टोरी जो है वो दोनों तरफ से कंप्लीट करनी पड़ेगी. किरण प्लीज टेल मी विच पार्ट यू डोंट अग्री विद एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ये चीज जो है ना, ये स्टोरी जो है ना, इसको मोल्ड करना पड़ेगा. इट इज टाइम जहां पे हम इस स्टोरी को मोल्ड करें, इस स्टोरी को चेंज करें. ना किसी राजकुमार को, राजकुमारी को बचाने की जरूरत है, ना किसी राजकुमारी को राजकुमार की जरूरत है बचने के लिए. अगर वो कंप्लीट हैं तभी वो अपने आप को. बट शिव एंड शक्ति फील इनकम्प्लीट. नो नो नो, यू नॉट शिव एंड शक्ति डोंट फील इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ देम जहां पे आप शिव शक्ति को साथ में देखते हो, लेकिन आप शिव को अलग भी देखते हो और शक्ति को अलग भी देखते हो. राइट, अगर शिव शक्ति एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते तो हमारे पास सिर्फ एक ही अर्ध नारेश्वरी होते जिनकी हम पूजा करते, हमारे पास शिव और पार्वती अलग अलग नहीं होते जिनकी हम पूजा करते. सो वो
इनकम्प्लीट नहीं है एक दूसरे के बिना, एंड दैट इज वाई जब वो एक साथ आते हैं तो वो एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने की एनर्जी रखते हैं. अगर वो इनकम्प्लीट होते तो यू वुड नॉट हैव सीन पार्वती बीइंग दुर्गा. यू नॉट सीन, आप वो देखते ही नहीं कि पार्वती शक्ति भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, नार भी सकती है. दे आर कंप्लीट विद इन themselves. और आपको शिव को मेडिटेशन करता हुआ या ध्यान में नहीं देखते, क्योंकि जो ध्यान है वो फेमिनिन एनर्जी है, इंट्यूशन है वो फेमिनिन एनर्जी है, और जो मारना है या जो दैत्य खत्म करना या एक्शन में आना है वो मैस्कुलिन एनर्जी है. सो शक्ति ऑलरेडी हैज मैस्कुलिन एंड शिव ऑलरेडी हैज फेमिनिन, और वो दोनों जब साथ में आते हैं तो अर्ध नारेश्वर अवतार बनते हैं. हैव यू सीन सेइंग शिवजी पार्वती के बेटर हाफ बनते हैं, अर्ध नारेश्वर, जो आधे नारी हैं और आधे पुरुष हैं, विच मीन्स देर इज अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ बोथ. दैट्स हाउ वी सी द स्टोरीज, दैट इज हाउ द स्टोरी. तभी तो मैंने बोला हमारे माइंड के साथ बहुत टैक्टफुल खेल खेला गया है, राइट? सो वी सी द स्टोरीज की कैसे पार्वती जी हैं जो वो शिव जी से शादी करना चाह रही थी. एंड देन सेकेंड, अगर आप, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जब आप कंप्लीट होते हो तो आप शादी नहीं करते हो, राइट? शी वॉन्टेड टू मैरी हिम इज ओके. यू विल, इफ यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ एंड यू फाइंड समबडी एल्स एज कंप्लीट एज यू, यू वुड वॉन्ट टू मिरर दैट एनर्जी. आप चाहोगे कि आप उसके साथ उस एनर्जी में कंप्लीटली जाओ. और फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से शादी नहीं करोगे अगर आप कंप्लीट फील करोगे तो. यू वुड ऑलवेज वॉन्ट अ कंपेनियन हु इज एट पार, नॉट योर बेटर हाफ, राइट? तो आप हमेशा एक कंपेनियन ढूंढोगे जो एट पार हो. और इसीलिए शक्ति जो है वो शिव से शादी करना चाह रही थी, और शिव और शक्ति ने जब शादी की तो एक्चुअली दिस इज अर्ध नारेश्वर, आधी नारी आधा पुरुष. हम ऐसे नहीं बोलते कि 40% नारी और 60% पुरुष, या 40% पुरुष और 60% नारी. वी से दे आर हाफ हाफ. शिव शक्ति इज योर सबकॉन्शियस एंड योर कॉन्शियस, योर इनर सेल्फ एंड योर आउटर सेल्फ. और जब आप अपने आप में बैलेंस होते हो, यस, राधा कृष्ण, दैट्स राधा कृष्ण इज ऑल्सो इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ, योर इनर एनर्जी, योर सबकॉन्शियस, योर फेमिनिन एनर्जी एंड योर मैस्कुलिन एनर्जी. जब आप एक साथ होंगे तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर पाओगे. मेल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड फीमेल्स, एक सेकेंड, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. फीमेल्स आर सॉफ्ट इन बॉडी बिल्ट एज वेल एज इन थॉट्स. दिस इज द नर्चरिंग, किरण जी, जो हम करते हैं. ऐसा नहीं है कि मेल्स जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होते या उनके इमोशंस नहीं होते. हम बचपन से ही कुचल देते हैं मेल्स के इमोशंस और उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, और बचपन से ही लड़कियों को एक तरह से सॉफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं. तो हम बनाते हैं ऐसा कि मेल टफ, फीमेल सॉफ्ट. आप आज की जनरेशन में देखोगे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स मिल जाएंगे जो बहुत टफ हैं, अच्छे अच्छों को कॉम्पिटिशन दे सकती हैं, और बहुत सारे ऐसे मेल्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और वो लड़कियों से भी ज्यादा सॉफ्ट हैं. वी क्रिएट दिस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि एक गेम चल रही है जो बहुत पुराने टाइम से चल रही है और हम उसको क्रिएट करते हैं. सो इट इज नॉट नेचुरल, इट इज समथिंग दैट वी हैव बीन क्रिएटिंग. यस, कुछ ऐसी चीजें अभी प्रेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो आल्सो, ओके? एंड आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट एंड कम बैक विद क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, यस, बिल्कुल, सोसाइटी का प्रेशर है टू फिट इन. चलो, 7:31 हो गए, प्रेयर टाइम. प्रेयर की एनर्जी मैं, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, टफनेस इज मेंटल टू, एंड वंस यू हैव दैट मेंटल टफनेस. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेप्स ऑल्सो इन दिस, वेरी रेलिवेंट, ठीक है? तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. चलो, प्रेयर. राधा जी और कृष्ण जी अकॉर्डिंग गलत क्यों मानेंगे है, प्लीज एक्सप्लेन. मुझे समझ नहीं आया सजना आपका क्वेश्चन, मतलब राधा जी कृष्ण जी क्या गलत माना गया, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन. बट मैंने राधा कृष्ण की एक वीडियो बनाई है, अगर आपको समय मिले तो आप प्लीज वो वीडियो देखें. मैंने वो कट करके भी डाला है लाइव में से जब मैंने बात की है, उसका हेडिंग भी है राधा कृष्ण. आप देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा, मैंने उसमें काफी कुछ एक्सप्लेन किया है. ओके, यस, वी आर प्रेइंग दैट, राइट? एज शादी, क्योंकि शादी हो ही नहीं सकती थी सर्जना, आइडियली में राधा
कोई थे ही नहीं, राधा वॉज कृष्ण का कॉन्शियसनेस, कृष्ण की इंट्यूशन, कृष्ण, और वो इतनी पावरफुल थी दैट पीपल कुड एक्चुअली इमेजिन इट लाइक अ पर्सन ऑल टुगेदर, बट इट वॉज जस्ट हिज इनर एनर्जी. तो हम अपनी एनर्जी के साथ कैसे शादी कर सकते हैं? सो that's why Radha was something very different than how it has been. मैंने भाई बोला ना, हमारे जो पुरानी चीजें हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं, और वो उस वक्त पे जिस तरह से एक होता है ना, अगर मैं एक कहानी लिखूंगी, think about this in this way, right? अगर मैं एक कहानी लिखूंगी और आप एक कहानी लिखोगे, हमें कहानी बताने वाला जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा लिखने का तरीका अपना होगा, आपका लिखने का तरीका अपना होगा, वो कहानी जो है वो एक कहानी जो बेस है, जिसके बेस पे हम दो लोग अपनी कहानी लिखेंगे, हम दोनों की कहानी जो है वो अलग होगी, हालांकि जो बेस स्टोरी है वो सेम होगी. रीजन बीइंग कि जो भी इंसान इंटरप्रिटेशन करता है किसी चीज की, उसमें उसका अपना पार्ट जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है, एंड दैट इज हाउ स्टोरीज हैव चेंज्ड From eras to now, okay? और कुछ change होना जरूरी भी था for Kaliyug to move on the way it is, okay? So let